इवनिंग का टाइम है एंड हल्की हल्की बारिश हो रही है, साथ में थोड़ी थोड़ी धूप भी हो रही है। दो दिन से लगातार काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही थी, बट आज थोड़ा आकाश खुला खुला लग रहा है, थोड़ा सा ब्लू ब्लू दिख रहा है, फिर भी काफ़ी सारे बादल हैं। तो अभी बारिश भी हो रही है हल्की हल्की एंड थोड़ी थोड़ी धूप हो रही है। वैसे तो वेदर तो अच्छा ही है, काफ़ी प्यारा सा वेदर है। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। एंड सुबह सुबह का टाइम है, मैं थोड़ा सा चाय बना के पी रही हूँ क्योंकि अभी हेड वॉश करके आई जस्ट। बाल अभी गीले हैं, सूखा नहीं है, तो बारिश हो रहा है। थोड़ा वेदर वैसे तो काफ़ी अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा वेदर है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश के साथ धूप भी है थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं दिखाई आपको पहले वाला क्लिप में। तो वेदर काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैं हेड वॉश करके आई तो थोड़ा ठंड ठंड फील हो रहा था, इसके लिए मैं अदरक वाली चाय बना के अभी पी रही हूँ। सो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल में देखा होगा कि मतलब मैं बताऊँगी आपको कि घर में क्या ट्रेजेडी चल रही है, बट क्योंकि अभी ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं, मुझे जल्दी जल्दी लंच का प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने परवल को ऐसे साफ करके रख ली हूँ, तो परवल की सब्जी बनाऊंगी। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मूंग दाल, ये एक्चुअली रोस्टेड मूंग दाल है, इसको साफ करके रोस्ट करके रखा है, एक डिब्बे में भर के रखा है, तो उसमें से थोड़ा निकाल के मैं पानी में भिगो दी हूँ ताकि जल्दी ये बॉयल कुक हो जाए। तो मूंग दाल के साथ ये है मॉर्निंग का साग है, इसकी सब्जी बनेगी एंड परवल की सब्जी बनाऊंगी। एंड राइस ऑलरेडी हो चुका है एंड यहाँ पे बॉयल आलू है। तो पहले अगर बात करने बैठ जाऊंगी तो फिर काफी देर हो जाएगी, तो लंच भी टाइम पे खत्म करना है, तो पहले लंच बना लेते हैं फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं बताऊंगी कि क्या ट्रेजेडी चल रहा है, क्या सब हो रहा है। तो पहले करते हैं लंच प्रिपेयर, फिर उसके बाद अच्छे से आराम से बैठ के बात करेंगे। तो मैं साबुत परवल की सब्जी बनाऊंगी। तो परवल को स्किन को हल्का सा छील कर इस तरह से मैंने बॉयल करने के लिए रख लिया है, तो इसको हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, हमें थोड़ा हार्ड ही चाहिए। बस 2-3 मिनट्स तक गर्म पानी में इसको उबाल लेंगे ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो इट्स ऑलमोस्ट डन एंड इसको हम पानी से अलग कर लेंगे एंड ठंडा होने के लिए रख लेंगे। जब तक हमारा परवल ठंडा हो रहा है हम मॉर्निंगा साग एंड मूंग दाल की सब्जी बना के रेडी कर लेंगे। तो मैं बनाऊंगी इसको एक प्रेशर कुकर में। तो मैं पहले एक प्रेशर कुकर को गर्म कर रही हूँ, उसमें ले रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, उसमें डालूंगी सारे तड़के की चीज़ जैसे कि जीरा, सरसों एंड एक ग्रीन चिल्ली, इसको बीच में से मैंने ऐसे चीरा लगा लिया है, एंड थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूंगी इसमें। सारे चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। एक छोटा टुकड़ा अदरक को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ बारीक से, एंड अभी एक ऑनियन को, मीडियम साइज़ के ऑनियन को पतला पतला करके काट के डाल रही हूँ। मॉर्निंगा साग को अच्छे से धो के क्लीन करके रखी थी उसको डाल रही हूँ, एंड अभी रोस्टेड मूंग दाल जाएगा इसमें। यह है स्वीट पटाटो, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ। मॉर्निंगा साग जो है वो थोड़ा सा कड़वा रहता है, तो स्वीटनेस जो है स्वीट पटाटो की वो इसको बैलेंस कर लेगा, तो इसके लिए मैं स्वीट पटाटो भी डाली हूँ। एंड सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मुझे थोड़ा सूखा वाला ही चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। बस ढक्कन लगा के एक सीटी हम इसमें लगा देंगे, तो बस इट्स डन। एंड देखिए हमारा परवल भी यहाँ पे ठंडा हो गया है, इसको इस तरह से बीच में केयरफुली चीरा लगाएंगे एंड इसका जो बीज है
उसको निकाल के मैं एक अलग कंटेनर में कलेक्ट कर रही हूँ। सो जितने भी परवल मैं ली हूँ सबका ऐसे ही इसको ऐसे चीरा लगा के बीच में का बीज का जो बीज है वो निकाल लूँगी तो ये कटोरी जैसे बन जाएगा। देखिए ऐसे तो मैं सारे परवल को ऐसे कटोरी जैसे बना के बीज अलग करके यहाँ पे रख ली हूँ। तो अभी मैं इसका स्टफिंग बनाऊँगी। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ली हूँ। ऑयल गरम होने के बाद मैं इसमें डालूँगी जीरा, थोड़ा सा सरसों एंड एक ग्रीन चिली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ। फिर बारीक कटा हुआ प्याज, कुटा हुआ अदरक लहसुन इसमें डालूँगी एंड प्याज एंड अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक उसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर बारीक कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ, फिर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जो घर का रेगुलर मसाला, हल्दी पाउडर, जो बेसिक मसाले हैं, आप चाहे तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके रखी थी उसको डाल रही हूँ एंड जो परवल के बीज निकाल के हम रखे थे उसको भी डाल रही हूँ। सारे चीज़ों को मिक्स करके हम अच्छे से पका लेंगे एंड मिक्सचर हमारा, हमें थोड़ा सूखा वाला ही मिक्सचर चाहिए, इसको पानी नहीं करना है। तो मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे, फिर जो परवल को चीरा लगा के हमने रखा था उसके अंदर ये भर लेंगे। तो आलू के साथ जो बीज है परवल का वो थोड़ा हमें क्रंची क्रंची, मतलब क्रंचीनेस देगा एंड हमारा स्टफिंग को, मतलब स्टफिंग को क्रंची बनाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए ऐसे ही सारे परवल को मैं स्टफिंग के साथ बना ली हूँ। अभी एक दूसरे पैन में मैं थोड़ा सा तेल गरम कर रही हूँ एंड इस तरह से सारे परवल उसको तेल में फ्राई कर लेंगे। तो हमारा परवल ऑलरेडी हाफ कुक है क्योंकि हम इसको पहले ही थोड़ा सा बॉईल कर चुके थे। अभी इसको बस चारों तरफ से केयरफुली पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बॉडी पे देखिए इस तरह से थोड़ा काला काला धब्बा आ जाएगा एंड ये देखिए हमारा स्वीट पटाटो मोनिंगा एंड मूंग दाल की सब्जी भी बनके रेडी हो गई है। मुझे थोड़ा सूखी वाली चाहिए थी तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डाली थी एंड यहाँ पे मैं अभी मेरी लंच थाली का प्लेटिंग कर रही हूँ। तो मैं प्लेन बॉयल राइस ली हूँ, स्वीट पटाटो मोनिंगा एंड मूंग दाल की सब्जी ली हूँ एंड भरवा परवल जो बनाई हूँ वो ली हूँ एंड साथ में थोड़ा सा सलाद में रखूँगी एंड ऊपर से राइस के ऊपर डालूँगी थोड़ा सा देसी घी एंड एक चुटकी नमक। बस सिंपल सी थाली हमारी रेडी है एंजॉय करने के लिए। सो यस गाइस, मैं बताने वाली थी कि घर में क्या ट्रेजेडी चल रहा है। तो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि ये वाला जो वार्डरोब आप देख रहे हैं ना, ये वो उस कॉर्नर में था पहले। तो अचानक मैं आज सुबह उठी एंड दरवाज़ा खुली तो मुझे लगा कि ऊपर से कुछ पानी टपक रहा है। फिर क्योंकि 2 दिन से चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, अभी थोड़ा वेदर क्लाउडी क्लाउडी ही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है किसी भी टाइम पर बारिश हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा बारिश के वजह से वहाँ से ना देख रहे हैं वो वॉल पूरा गीला है। पहले ये वाला जो वार्डरोब है ना, ये उस कॉर्नर में था ये वाला वार्डरोब, तो वहाँ से ऊपर से पानी टपक रहा है क्योंकि हमारा जो वार्डरोब है वो इंजीनियरिंग वुड का है, तो पानी डलने से ये ख़राब हो जाएगा। तो फौरन मैं सारा कपड़ा निकाल के रखी हूँ दीवान पर, ड्राइंग हॉल में जो दीवान था उसके ऊपर रख के फौरन इसको मूव की इधर। सो ये जो अलमारी था वो पहले उस कॉर्नर में था एंड देखिए वहाँ से पूरा वो वॉल गीला होके है एंड वहाँ से पानी टपक रहा है। अब यही मुसीबत होना था। तो चेन्नई में तो नवंबर दिसंबर 2 मंथ होती है बारिश, फिर देखते हैं बारिश उठने के बाद कुछ क्या होता है, इसका कुछ दवा पानी कुछ करेंगे इसका एंड तब तक वार्डरोब इधर रहेगा।
क्योंकि वार्डरोब को मैंने आज पूरा शिफ्ट किया था, तो वार्डरोब का सारा कपड़े वपड़े सब निकाल के यहाँ पे रख ली हूँ। तो अभी ये सब कचड़ा फोल्ड करके सब करके फिर जाएगा सब इसके अंदर, तो ये भी करना भी है। तो बस पानी इतना ज़्यादा नहीं टपक रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा है। बारिश हो रुक रुक के हो रही है। अगर बारिश तेज होगी तो हो, जब तेज़ बारिश हो रही थी तो नॉर्मल ऐसे टपक रहा है। तो यही ट्रेजेडी चल रही है अभी घर में क्या बताएं। तो ठीक है, लंच हो गया है, खाना पीना सब हो गया है। अभी बैठ के मैं पूरा वो सब कपड़े पपड़े फोल्ड करूंगी, जो कि मुझे बहुत ही मतलब आई हेट फोल्डिंग क्लोथ्स। पता नहीं मुझे कपड़े पपड़े सब फोल्ड करके रखना बहुत ही मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सबसे बोरिंग काम है। जितने भी हाउस होल्ड काम है ना, उसमें से सबसे मुझे बोरिंग ये कपड़े फोल्ड करना लगता है। अभी है तो है, ये सब करना पड़ेगा, सब जाएगा अलमारी के अंदर। तो बस यही सब चल रहा है। एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एनी मोमेंट अभी बारिश हो सकती है ऐसा लग रहा है। तो फिर ठीक है। सो जब पता चला कि वहाँ ऊपर से पानी टपक रहा है, तो फौरन हम लोग ना जाके ये सब जो ऊपर है ना दरवाजा स्टोरेज के लिए, वो सब खोल के देखे। बट लकीली उसके अंदर पानी नहीं जा रहा है, पता नहीं कैसे। बट नीचे ना दीवार में एक हल्का सा क्रैक है, तो वहां से पानी अंदर आ रहा है। बट लकीली वो जो ऊपर सब स्टोरेज है ना, ये सब यहाँ के अंदर पानी नहीं जा रहा है। अदरवाइज यहाँ इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीजें थी, वो सब खराब हो जाएगी। तो बार बार फिर भी हम बार बार खोल के देख रहे हैं, अभी आ रहा है क्या पानी उसके अंदर, अभी आ रहा है क्या। बट लकीली ये जो है ना इसके अंदर नहीं जा रहा है। बट यहाँ पे पता नहीं ऐसे क्यों हो गया। बारिश शुरू हो गई है, मैं दिखाती हूँ कि हमारे घर में कौन आया है बारिश में शेल्टर लेने के लिए। सब वो चुपके से वहाँ खिड़की के पास बैठा था, मैं थोड़ा सा आवाज की तो वो बेचारा चला गया। तो बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई है, एंड इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ यस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड ए न्यू वीडियो। एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।